अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन 65। इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं और इसको आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको खा सकते हैं, दोनों ही तरीके से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन 1 किलोग्राम और इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, दही, दही गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, कॉर्नफ्लोर और लेमन जूस। साथ ही इसमें शामिल कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा रेड फूड कलर। एक अंडा शामिल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को इसमें मैं मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और उसके बाद इसको सिंगल में डीप फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई करना है यहाँ तक कि ये गोल्डन से कलर में आ जाए और क्रिस्प हो जाए। मैंने इसको निकाल लिया है और साइड पे रख दिया है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ इसके साथ सर्व करने के लिए जो मैंने चटनी बनानी है उसकी। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको ब्लांच कर लिया है और उनके स्किन को रिमूव कर दिया है। इसके बाद मैंने टमाटरों को ब्लेंडर में डाला है और साथ ही मैंने शामिल किया है इसमें लहसुन के जवे और लंबी कटी हुई हरी मिर्च और इसमें शामिल कर रही हूँ फ्रेश धनिया। नमक चला गया इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और ये चटनी बनाकर मैं इसको निकालूंगी और इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल तैयार है। अगर आपने ड्राई फॉर्म में चिकन 65 को खाना हो तो आप इसके साथ वैसे भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी हूँ चावलों की, और चावलों के लिए मैंने एक पैन में लिया है ऑयल और ऑयल में शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, लौंग और दालचीनी। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कड़ी पत्ते और हरी मिर्च। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तली हुई प्याज, थोड़ा सा पानी और इसमें चला गया चिकन क्यूब और नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। इस मसाले को अच्छा सा भूनूंगी यहाँ तक कि यह पानी ड्राई होने लगेगा। तो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं लाल मिर्चें पिसी हुई। अब यहाँ पर मैं मसाले को भून चुकी हूँ तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं पहले से भिगोए हुए चावल। चावलों को इसमें डाल के 4 से 5 मिनट तक मैं थोड़ा सा भूनूंगी और फिर हसबे ज़रूरत पानी शामिल कर दूंगी। चावलों को अब इतना पकाएंगे कि चावल पूरी तरह से रेडी हो जाएं। ये देखिए चावलों में उबाल आ रहा है। यहाँ पर चावलों को चेक कर लेंगे कि चावल गल चुके हैं या नहीं। चावल तकरीबन तैयार है, इतने पानी में ये दम पर रख दूंगी। 10 से 15 मिनट दम देने के बाद ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे तैयार हुए हैं, एक एक दाना कितना निखरा हुआ है। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन 65 को फ्राई करने की। इसके लिए मैंने थोड़े से ऑयल में कड़ी पत्ते डाले हैं और उनको फ्राई कर लिया है और साथ ही मैंने लंबी कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। स्लाइस प्याज भी डालकर मैं इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सौते करूंगी। प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए तो शिमला मिर्च कटी हुई डाल दूंगी और चिकन जो फ्राई किया था वो भी ऐड कर दिया। इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट हल्का सा पकाना है और फिर आप इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं चपाती के साथ, या आप इसको चावलों के ऊपर डालकर सर्व कर सकते हैं और साथ में आप ये चटनी सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार डिश है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।